मित्रों अभी मैं फालना में हूँ और फालना में स्वर्ण मंदिर है, पारसनाथ स्वर्ण मंदिर, और वो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। तो इसके आज हम दर्शन करने वाले हैं फालना के पारसनाथ मंदिर के, जिसमें कि अंदर जो मंदिर है उसमें स्वर्ण की नक्काशी की गई है। जो अंदर वाला भाग है वहाँ स्वर्ण इसमें चढ़ाया गया है। तो मंदिर को हम देखते हैं कि जैसे ही आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये वाले भाग में मंदिर नहीं है, लेकिन मंदिर के जो परिसर के अंदर है नक्काशी की गई है, उसके ऊपर सोने की वर्क अंदर वाले भाग में चढ़ाई गई है। लेकिन ये जो गेट हैं ये निश्चित रूप से सोने के नहीं हैं। ये आप मंदिर को देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर है प्रेमिसेस अंदर से पूरा। हालांकि पारसनाथ भगवान जो हैं जैन तीर्थंकर हैं, तो लेकिन इसको पूरी तरह से एक तरह से स्वर्ण मंदिर में कन्वर्ट किया गया है। पहले मैं आपको यहाँ का बाहर का जो प्रेमिसेस है वो दिखाऊंगा, और फिर हम थोड़ा सा अंदर से जितना मंदिर को देख सकते हैं वो देखेंगे। आपको मैंने बताया कि फालना में स्थित है, तो ये स्वर्ण मंदिर है। दूसरे एंड पे यदि जाते हैं तो हम इस प्रकार से यहाँ से देखेंगे मंदिर को, बहुत ही सुंदर रूप से तैयार कर दिया गया है। और हम लोग इसके बाद में जैसे ही यहाँ आएंगे तो देखिए बहुत ही सुंदर स्टेप्स हैं, पूरा गोल्डन है, राइट। तो भगवान पारसनाथ के बारे में जैसे जो जैन धर्म को जानने वाले हैं वो निश्चित रूप से जान सकते हैं कि भगवान महावीर जो है, पारसनाथ भगवान है, वो जितने 24 तीर्थंकर हैं उन 24 तीर्थंकर में से एक पारसनाथ भगवान है, और उनका बकायदा जो है मंदिर स्वर्ण मंदिर। देखिए मैं इसकी थोड़ी सी झलक आपको दिखा दूं, मुझे जहाँ तक इसकी परमिशन है वही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मूर्ति के डायरेक्ट वीडियो लेने के लिए मना किया गया है। बहुत ही सुंदर है, यहाँ से भी हम साइड से देखेंगे तो मंदिर बहुत ही दिव्य लगता है। जो जैन धर्मावलंबी हैं उनको इस चीज़ का बिल्कुल मालूम चलेगा कि मंदिर की क्या विशेषता। अंदर का जितना भाग है पूरे में जितनी नक्काशी की गई वो यहाँ पे पास में गांव है कुडाला गांव, तो कुडाला गांव की जो महिलाएं हैं उन्होंने इस मंदिर के लिए स्वर्ण दान किया, और ये मंदिर फिर 2004 में इस तरह से, इसका जो आभा आप देख पा रहे हैं इसके पीछे कुडाला गांव की महिलाएं हैं, और उनके दान से ही इस मंदिर को इस तरह से स्वर्ण रूप जो है नक्काशी जो है अंदर वाले भाग की जो है संभव हो पाई। तो ये मंदिर रहा आपका फालना का श्री पारसनाथ जैन मंदिर। ये मंदिर के बारे में सूचनाएं यहाँ दी गई है कि कब मंदिर के खुलने का समय, आरती वगैरह, है ना, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और जब भी आप फालना में आते हैं तो इस मंदिर के ज़रूर दर्शन करें। और मैं यहाँ से भी अगर दिखाऊं साइड व्यू, आप इसका देखें कि कितना सुंदर जो है मंदिर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। मेरा कहना है इसमें जो कुडाला गांव की महिलाएं हैं उनके सबके सहयोग से जो है इस तरह की काम हो पाया। सो धन्यवाद मित्रों, इस तरह से ये था हमारा पारसनाथ जैन मंदिर फालना में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल है BPS चौहान व्लॉग्स, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे इस तरह के बहुत सारे जो भारतवर्ष में इस तरह के मंदिर और मंदिर वगैरह फैले हुए हैं उन सबको आपको इनके व्लॉग्स देखने को ज़रूर मिलेंगे।